तो आज हमारा ग्रुप 17 एलिमेंट्स हम पढ़ेंगे। ग्रुप 16 तक कर लिया है हमने। 17 में देख लो क्या क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ग्रुप 17 में आते हैं आपके फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन एंड एस्टाटिन। ठीक है, वेयर एज एस्टाटिन इज अ मेटलॉइड, अदरवाइज फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन आर नॉन मेटल्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर 9, 17, 35, 53, 85 आप याद कर सकते हो। सेकेंड टू थर्ड जाते हुए 8 का गैप आता है, थर्ड टू फोर्थ जाते हुए आपका 18 का गैप आता है, एंड फोर्थ टू फिफ्थ जाते हुए आपका फिर से यस 18 का गैप आता है। देन लास्ट में फिफ्थ सिक्स टू सेवन्थ जाते हुए आपका 32 का गैप आएगा। ठीक है, क्लियर? तो कैसे भी याद कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। ऐसे याद करना है ऐसे याद कर लो, ट्रिक से करना है ट्रिक से कर लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देख लो सबका कैसा है। फ्लोरिन 2s2 2p5, क्लोरिन 3s2 3p5, ब्रोमिन 4s2 4p5, आयोडीन 5s2 5p5, ठीक है, 6s2 6p5 स्टार्टिंग का। ठीक है, ओके, सबका ग्रुप नंबर 17 है। पेयर नंबर सबका इंक्रीज होगा, जैसे सेकंड का फ्लोरिन सेकंड पीरियड का है, क्लोरिन थर्ड पीरियड का है। ठीक है, तो इनको हैलोजन्स क्यों बोलते हैं? ग्रुप 17 को हैलोजन्स बोला जाता है। हैलोजन्स जो हैलोजन वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। हैलो मीन्स लाइक साल्ट, ठीक है, एंड जिन्स मतलब प्रोड्यूसिंग। एक्चुअली ये साल्ट प्रोड्यूसिंग एलिमेंट है। जैसे कि अगर आप इनको मेटल से रिएक्ट कराओ तो ये अक्सर साल्ट बना लेते हैं। जैसे क्लोरीन को सोडियम से कराओगे तो सोडियम क्लोराइड बन गया, वो भी साल्ट है। ठीक है, ब्रोमीन को पोटेशियम से कराओ तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया, वो भी साल्ट है। सोडियम को ब्रोमीन से कराओ तो सोडियम ब्रोमाइड बन गया, वो भी साल्ट है ना। कैल्शियम को फ्लोरिन से कराओ, कैल्शियम फ्लोराइड बन गया, वो भी साल्ट है। ठीक है, क्लियर? तो इसलिए ये साल्ट प्रोड्यूसिंग है, साल्ट बना लेते हैं मेटल के साथ मिलकर, दैट इज वाई इनका नाम दिया गया हेलोजेंस। ठीक है, ओके, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ हैलोजन फैमिली। ठीक है, तो सबको पता है कि अगर आप बात करो ना ग्रुप 17 में, जो ग्रुप 17 के मेंबर हैं उनकी जो आयनिक और एटॉमिक रेडियाई होती है वो स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जो आयनिक जो साइज ऑफ द एटम है वो अलोंग द पीरियड डिक्रीज करता है ना। अगर आप मूव करो फ्रॉम फर्स्ट ग्रुप से 17 ग्रुप की तरफ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्लियर? तो साइज आपका डिक्रीज करता है। कब, कहाँ तक डिक्रीज करता है? अप टू ग्रुप 17। ग्रुप 18 के पे डिक्रीज नहीं करता। ग्रुप 18 तो नोबल गैस है, वो तो उनका साइज बड़ा होता है ग्रुप 17 के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो अगर कंपेयर करें इन पीरियोडिक टेबल में तो 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होते हैं, उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट होता है, ओके, क्लियर? तो अगर आप देखो डाउन द ग्रुप का क्या ट्रेंड रहेगा, चलो अलोंग द पेयर तो डिक्रीज ही करती है, डाउन द ग्रुप क्या होगा? डाउन द ग्रुप जब हम पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपका एटॉमिक साइज भी इंक्रीज करता है। ये जो सेम ही रीजन है, साइज का डाउन द ग्रुप हमेशा इंक्रीज ही है, जितने भी आपने भी ग्रुप पढ़े 15, 16 एंड नाउ 17। ठीक है, आप देख सकते हो डाटा अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर फ्लोरिन का 0.064, क्लोरीन 0.099 एंड ब्रोमिन 0.111 एंड आयोडीन 0.128। सो एस्टेटिन को इतना नहीं पढ़ा जाता, ये नॉन मेटल्स हैं तो इनको ज्यादा पढ़ रहे हैं हम। ओके, एस्टेटिन के वैसे भी थोड़ा उतना अबंडेंट नहीं है, इतने ज्यादा कंपाउंड भी बहुत कम है एस्टेटिन के। ठीक है, तो अगर हैलोजन हम ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारा जो फोकस रहता है वो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडीन पर रहता है। ऑल्दो क्योंकि इन्हीं की प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर है, एस्टेटिन मेटलाइड होने की वजह से इनके जैसा बिहेव नहीं करता। ठीक है, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो आयनाइजेशन देख, एक दो बातें, एक तो हम देखते हैं जब हम ट्रेंड चेक करते हैं तो हम देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी, दूसरी देखते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दोनों में क्या डिफरेंस है? आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है आपकी वो पॉजिटिव होती है, वेयर एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है। इफ एन एंथैल्पी हैज नेगेटिव साइन, इट मींस कि एनर्जी इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, है ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी विल रिलीज। ठीक है, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव, बट इन केस ऑफ आयनाइजेशन इट इज पॉजिटिव, बिकॉज यू हैव टू प्रोवाइड सम एनर्जी, यू हैव टू गिव सम एनर्जी टू द एटम सो दैट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम इट। ठीक है, क्लियर? तो एक एटम से, एक न्यूट्रल एटम से
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी आपको देना पड़ता है, जितना आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, दैट इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी पॉजिटिव होती है बिकॉज यू आर प्रोवाइडिंग इट, इट इज नॉट रिलीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है। वेयर एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव बिकॉज इट इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, ओके। तो जो 17 के एलिमेंट्स होते हैं, क्यों आपको पता है ग्रुप 17 वाले, वैसे भी आपको पता इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ऑल द स्मॉलेस्ट साइज है बट इलेक्ट्रोनेगेटिव भी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो देखो साइज पे तो फैक्टर डिपेंड करता ही है, अगर साइज छोटा रहेगा, दूसरे चीज जो रोल प्ले करती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज, दैट इज जेड इफेक्टिव, दैट इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज योर स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट एंड जेड इज योर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा है 11th में, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट में हमने देखा था कि एक्चुअल में जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है, और इसलिए हमने जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है उसको जेड इफेक्टिव कहा है, और जेड इफेक्टिव हम निकालते हैं जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा निकालने का बहुत लंबा प्रोसेस है, वो आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। मतलब वो 1 or 2 लाइन का नहीं है जो मैं अभी बोल के एक्सप्लेन कर दूँ। वैल्यू होती है सबके अलग अलग, हाइड्रोजन के लिए सॉरी सेम शेल में है तो कितना वैल्यू लेना है, डिफरेंट में है तो क्या लेना है, क्या मल्टीप्लाई करना है, क्या ऐड करना है, ठीक है, ओके। तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हो गई क्योंकि देखो ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोनेगेटिव है बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा लालच है या इलेक्ट्रॉन के लिए लालची है पूरे, ठीक है। तो तुमको क्या लगता है ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को देंगे, जो बंदा खुद ही इतना लालची है वो अपना पैसा किसी को देगा क्या? तो सिमिलरली ऐसे ही यहाँ पर है कि ये जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करना प्रेफर नहीं करते बिकॉज दे आर ऑलरेडी, इवन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज फ्लोरिन बिलोंग्स टू दिस ग्रुप, है ना। इस पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमें एलिमेंट्स पता है उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरिन, और वो ग्रुप 17 का मेंबर है, ठीक है। तो आपके जनरली आपको याद रखना है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहती है जनरली, एंड डाउन द ग्रुप डेफिनेटली आपकी एंथैल्पी डिक्रीज करती है। व्हाई इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज एज यू मूव डाउन द ग्रुप, आपको पता है न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो डिक्रीज कर जाता है बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग, है ना। सो अगर न्यूक्लियस का होल्ड डिक्रीज कर जाएगा तो डेफिनेटली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होगा, देन वी हैव टू प्रोवाइड सम व्हाट लेस एनर्जी, है ना, ओके, क्लियर। नाउ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखो, यहाँ पे ये टेबल देखो, फ्लोरिन की देखो सबसे हाईएस्ट नहीं है, 333 है। ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि फ्लोरीन की हाईएस्ट होनी चाहिए थी, क्लोरीन की है सबसे हाईएस्ट, दैट इज -348, ब्रोमीन की 324 है, आयोडीन की ये याद नहीं करना, बस एक बार इसको देख लेना क्योंकि इससे आपको आइडिया रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अच्छा एक्सपीरियंस हमने सोचा था कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि दूसरा फैक्टर क्या रोल प्ले कर गया, ऑल दो फ्लोरिन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव बट द साइज ऑफ द फ्लोरिन इज वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है फ्लोरिन, देन देर विल बी मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होती है, ठीक है। अगर छोटे एटम के अंदर एटम छोटा है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाए तो रिपल्शन हो जाएगी, दैट इज वाई फ्लोरिन की जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है वो थोड़ी सी कम है क्लोरिन के कंपैरेटिवली। क्लोरिन का साइज बड़ा है, क्लोरिन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो डेफिनेटली उसमें इतना रिपल्शन नहीं होता, ठीक है। तो ऑल दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, ठीक है, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो डेफिनेटली उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है, क्लियर। मतलब वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट साइज इज ऑल्सो प्लेइंग रोल हियर क्योंकि अगर साइज बहुत छोटा होने से, फ्लोरिन का साइज बहुत छोटा होने से आपका यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है, ठीक है,
तो थोड़ा इंटरइलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन रहता है, उसकी वजह से ही थोड़ा सिस्टम आपका डिस्टेबलाइज हो गया है ना, इसी वजह से आपकी फ्लोरीन की जो ऑर्डर रहेगा आयनर्स एंथैल्पी का इस ग्रुप में, क्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फिर फ्लोरीन आ गया है, फिर थर्ड पे ब्रोमीन एंड फोर्थ पे आयोडीन एंड एस्टाटिन, तो लास्ट में रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ट्रेंड है? सिंपल सी बात होता है, आपको पता है फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, एंड अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है अप टू ग्रुप 17। टू ग्रुप 17 आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट देखो, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, साइज इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके वंडर वाल फोर्सेस भी इंक्रीज करेंगे, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है, उसमें कोई सिंपल सा फैक्टर है। बोन डिसोसिएशन एनर्जी जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। अब देखो, बोन डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है कि बोन की स्ट्रेंथ कितनी है, डिसोसिएट करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मैंने देखा है कि मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा कब होती है, जब आपकी एटम का साइज छोटा होता है, तब ऑब्वियसली बॉन्डिंग अच्छी होती है, बिकॉज ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग अच्छी होती है ना, क्लियर। तो आपका जो है फ्लोरिन सबसे छोटा है, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लोरिन के केस में ओवरलैपिंग सबसे अच्छी होनी चाहिए थी, ठीक है, एंड देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, बट द एक्चुअल ऑर्डर इज समवट डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन का फ्लोरीन के पास अगर आप देखो, फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ अगर बॉन्ड बनाए, तो एक फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर है, ऑल्दो साइज इज स्मॉल बट लोन पेयर तीन है। सिमिलरली दूसरे फ्लोरीन जिसके साथ वो बॉन्ड बनाएगा, उसके पास भी तीन लोन पेयर है, तो अगर वो बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, मतलब उनकी बॉन्डिंग इफेक्टिव होती है, तो डेफिनेटली बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो पास पास रहेंगे तो उनके लॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन रहेगी, ठीक है, रिपल्शन होने की वजह से इनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो उतनी ज्यादा नहीं होती जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो हाइएस्ट क्लोरीन की होती है, फिर ब्रोमीन की, एंड देन थर्ड नंबर पे आपके फ्लोरीन की है, एंड देन लास्ट इज आयोडीन, ठीक है। तो दो चीज याद रखना, एक बॉन्ड लेंथ और एक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। जब आपका बॉन्ड लेंथ छोटा होता है, छोटी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, तब आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है, बिकॉज वेन एवर देर इज अ गुड ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स ड्यूरिंग द बॉन्डिंग, देन बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलर, ठीक है, तो वो छोटी ही रहेगी। एंड इफ बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर, व्हाट डज इट मीन? कि योर बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज व्हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो बट यहाँ पर क्या है कि चलो, साइज के साथ साथ एक और फैक्टर रोल प्ले कर रहा है डिसोसिएशन एनर्जी में, दैट इज रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर्स, ठीक है। जो बॉन्डेड एटम्स हैं, अगर उनके पास पास आने से रिपल्शन हो रही है लोन पेयर्स के बीच में, देन ऑब्वियसली उनका भी बॉन्ड है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, दैट इज वाई एफ टू का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी कम है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं है वो तो इसलिए टूट जाएगा ना, ठीक है। अब बात करते हैं कलर की, ऑल हेलोजन्स आर कलर्ड, ठीक है, सभी के सभी कलर्ड हैं, ठीक है। क्लोरीन फ्लोरीन आपका डल येलो है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो होता है, वेयर एज ब्रोमीन रेडिश ब्राउन होता है, ब्रोमीन आपका लिक्विड और गैस दोनों में एग्जिस्ट करता है, जबकि क्लोरीन एंड फ्लोरीन आपके गैस स्टेट में मिलते हैं, वेयर एज आयोडीन आयोडीन वॉयलेट होता है आपका गैसियस स्टेट में, ठीक है, बट इन केस ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड में आयोडीन भी आता है तो ब्लैक कलर की फ्लेक्स से, ब्लैक कलर की फ्लेक्स होती है, वैसे वैसा दिखता है आयोडीन, ठीक है। तो मैं कलर क्यों शो करता है, कोई भी चीज कलर क्यों शो करती है, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ड्यूरिंग जब भी वो अगर उनका कोई इलेक्ट्रॉन एक अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पर जाता है, ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्बिंग सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, ठीक है, वो हायर एनर्जी स्टेट बोलो या एक्साइटेड एनर्जी स्टेट में बोलो, वहां पर कुछ देर रहेगा वो, देन वो वापिस अपने ग्राउंड स्टेट पर आता है, ठीक है, वापिस आएगा तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन इम्पार्ट करेगा, ठीक है, वो जो रेडिएशन इम्पार्ट होगी वहां पर उसका आपको कलर दिखेगा, है ना, क्लियर। यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री चलता है, अगर कोई
कोई चीज रेड दिख रही है ना, इसका मतलब ये है कि उसने ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है। ठीक है, अगर मेरा मैंने जो कपड़े पहने हैं ना, अगर वो रेड कलर के दिख रहे हैं ना, व्हाट डज इट मीन कि जो मेरे कपड़े के मॉलिक्यूल है, ठीक है, उन्होंने ग्रीन कलर का लाइट एब्जॉर्ब किया है। सिमिलरली अगर कोई चीज वॉयलेट दिख रही है तो इसका मतलब उसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब किया, तभी वो वॉयलेट दिख रहा है। ठीक है, तो ये लाइट से क्या मतलब है एब्जॉर्ब करने का? अब देखो, वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, वो कुछ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है ना। एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? एच न्यू, है ना, और न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो मतलब कोई पर्टिकुलर रेडिएशन ही तो एब्सॉर्ब कर रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ की। ठीक है, जब वापस आएगा तो वो जो एनर्जी रिलीज करेगा, दैट इज योर आपका आपकी एमिटेड रेडिएशन हो जाएगी, जिससे आपको आपका कलर पता चलेगा, ठीक है, कि वो कैसा कलर दिखा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री चलती है चीजें। अगर वॉयलेट एब्सॉर्ब कर रहा है तो येलो दिखाएगा, येलो एब्सॉर्ब कर रहा है तो वॉयलेट दिखाएगा। ठीक है, ब्लू ब्लू एब्सॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज दिखाएगा, ऑरेंज एब्सॉर्ब कर रहा है तो ब्लू दिखाएगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो विजिबल रीजन में होता है, दैट इज वाई दे आर कलर्ड। सो एनामलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरिन। सिमिलरली जैसे आपने नाइट्रोजन का किया था ग्रुप 15 में, ऑक्सीजन का किया था ग्रुप 17 में, सॉरी 16 में, सिमिलरली आपको फ्लोरिन का करना है ग्रुप 17 में। तो सेम बात है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, नॉन वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ठीक है, क्लियर? और लो फ्लोरिन फ्लोरिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। और बोला है कि ज्यादातर रिएक्शन होती है फ्लोरिन की वो एक्सोथर्मिक होती है, क्योंकि उनका साइज स्मॉल है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं किसी और एलिमेंट के साथ। ऑल्दो फ्लोरिन फ्लोरिन का बॉन्ड उतना स्टेबल नहीं है, बट फ्लोरिन औरों के साथ तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। दैट इज वाई अगर अच्छा बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा ज्यादा, है ना। कोई चीज जब भी स्टेबल होती है वो एनर्जी रिलीज करती है। अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इट मीन्स रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होगी। ठीक है, क्लियर? अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो याद रखना, फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, दैट इज -1। इसके अलावा इसने कुछ नहीं शो करना। ठीक है, क्योंकि इतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, देने का तो मतलब नहीं आएगा। ठीक है, वेरस क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये क्या क्या शो करते हैं? इनके याद रखना, -1 +1 +3 +5 +7, 5 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं। -1 कब करेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। ठीक है, वेरस +1 कब करेंगे? जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। +3 जब 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। +5 जब 5 इलेक्ट्रॉन देंगे किसी को। +7 जब अपने 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स दे दें किसी को। ठीक है, क्लियर? उसके बाद तो हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये कब आएगी? जब वो अपने से ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कोई एलिमेंट कब लेके आता है? जब उसके साथ कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो। फ्लोरीन पॉजिटिव क्यों नहीं शो करता? क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही नहीं कोई पूरे पीरियोडिक टेबल में, तो फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाएगा। वेरस फ्लोरीन ये कर सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना। क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन ऑक्सीजन, है ना, ब्रोमीन से तो क्लोरीन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ओके, ये सभी के सभी जो होते हैं ल्यूस एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ल्यूस एसिड्स क्या होते हैं? ल्यूस कंसेप्ट क्या कहता है एसिड और बेस, एसिड और बेस के लिए? ल्यूस कहते हैं कि एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, एंड बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सो एज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो दे हैव गुड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई दे एक्ट लाइक एज ल्यूस एसिड। ठीक है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज वाई हैलोजन्स आर ल्यूस एसिड्स। ठीक है, दे बिहेव लाइक ल्यूस एसिड। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि फ्लोरिन जो है काफी, ऑल्दो ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट फ्लोरिन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वट डज इट मीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इफ यू रिमेंबर क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज हु ऑक्सीडाइज अदर एंड रिड्यूस देमसेल्व्स, मतलब समझ गए ना, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, खुद को रिड्यूस करे। ठीक है, खुद को रिड्यूस कैसे कर सकता है कोई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, रिडक्शन इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, बट दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली ना, फ्लोरिन कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजिली, इट मीन्स फ्लोरिन कैन रिड्यूस इटसेल्फ इजिली, है ना, फ्लोरिन कैन रिड्यूस इटसेल्फ इजिली, इट मीन्स फ्लोरिन कैन ऑक्सीडाइज अदर्स इजिली, है ना, सिंपल सी बात है।
तो इसलिए फ्लोरीन आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अब रिएक्शंस विद हाइड्रोजन देख लेते हैं। जो आपके हेलोजन्स होते हैं वो HX फॉर्मूला बनाते हैं, हेलोजन एसिड्स बनाते हैं, बेसिकली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्स जो सिंबल है दैट इज फॉर हेलोजन्स, ठीक है, फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन। एच किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन और जब भी हेलोजन रिएक्ट करते हैं तो HX बनता है, ठीक है। एक्स कैन बी फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन, ठीक है। तो दे आर फोर टाइप ऑफ एसिड्स, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। चार तरह के एसिड बन सकते हैं, क्लियर। अब देखो इनकी प्रॉपर्टीज देख लो, सारे लीनियर है। लीनियर मतलब सिंपल, एक स्ट्रेट बॉन्ड है हाइड्रोजन और फ्लोरिन के बीच में, स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल का लीनियर है, क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन चेक भी कर सकते, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहेगा, बिकॉज लीनियर स्ट्रक्चर में हमेशा बॉन्ड एंगल 180 ही रहता है, ठीक है। कहते हैं आउट ऑफ फोर दीज एसिड्स, आउट ऑफ फोर हाइड्रोजन एसिड्स ओनली हाइड्रोजन फ्लोराइड इज लिक्विड, अदरवाइज रेस्ट बाकी के सारे कैसे हैं आपके गैसेस हैं। HCl भी गैस है, HBr भी गैस है, HI भी गैस है, एक HF है जो आपका लिक्विड होता है, ठीक है, क्लियर। स्टेबिलिटी की बात करूं, सिंपल सी बात है, मैंने बताया था फ्लोरीन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज इट कैन फॉर्म बॉन्ड इजिली, ठीक है, ये सबसे ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है, तो इसलिए स्टेबिलिटी हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज्यादा है, क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉलर है। उसके बाद हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड सबसे बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड की स्टेबिलिटी है। ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं कि इनकी एसिडिटी का क्या ऑर्डर होगा, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करोगे? जो एसिड्स इजिली एच पॉजिटिव रिलीज कर देते हैं, दे आर गुड एसिड्स, है ना, दे आर एक्सीलेंट एसिड्स। तो इन चारों में से कौन एच पॉजिटिव इजिली रिलीज करेगा? जिसका बॉन्ड वीक होगा, है ना, जिनका अगर HCl का बॉन्ड वीक है सबसे, अब सपोज करो अगर HCl का बॉन्ड वीक है सबसे, इट मींस कि HCl विल ब्रेक इजिली एंड इट विल रिलीज एच पॉजिटिव आयन इजिली, है ना ओके। तो यहाँ पर सबसे वीक कौन है? यहाँ पर सबसे डी जो आपका सबसे कम स्टेबल है दैट इज योर हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड विल बी मोस्ट बेसिक अमंग द फोर, ठीक है ओके। इन चारों में सबसे ज्यादा आपका हाइड्रोजन आयोडाइड एसिडिक होगा, मैंने बेसिक तो नहीं बोल दिया, एसिडिक होगा। देन आपका HBr एसिडिक है, देन HCl एसिडिक है, और सबसे कम एसिडिक आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, ठीक है। यही बात मैं करूँ रिड्यूसिंग नेचर की, तो रिड्यूसिंग भी क्या होता है, जो हाइड्रोजन डोनेट कर देते हैं ना, क्लियर। तो वहां पर भी सेम ट्रेंड होगा, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है उस वो सबसे कम स्टेबल है, तो वो अपना हाइड्रोजन इजिली दे सकता है, तो दैट इज वाई हाइड्रोजन आयोडाइड का रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, ये HBr का सब उससे कम, HCl का उससे कम, और सबसे कम HF का। यही ऑर्डर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का रहेगा, यही ऑर्डर आपका रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ का रहेगा, ठीक है, क्लियर। देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ भी सेम कर दिया। तो बॉइलिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर है जी? बॉइलिंग पॉइंट को भी देख लेते हैं। जनरली तो हमने ये देखा था कि साइज बढ़ने के साथ साथ वंडरवाल फोर्सेस बढ़ते हैं और आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, बट यहाँ पर कुछ आपको गड़बड़ी दिख रही होगी कि सबसे, एक मिनट, ये गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, ये जो है ऑर्डर दिख रहा है, HI जो आपका HI का ज्यादा है, HBr का कम है, HCl का उससे कम है, और इन तीनों से सबसे ज्यादा किसका है? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। इन तीनों में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड का हो गया। क्यों हो गया जी? क्यों, मतलब हाइड्रो फ्लोरिन तो छोटा साइज का है ना, फिर भी फ्लोरिन का सबसे ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। मैंने बताया था कि तीन अगर एलिमेंट याद कर लो, कौन कौन से? फ्लोरिन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनके साथ हाइड्रोजन अगर लगा है और ये लिक्विड स्टेट में है, ये एलिमेंट, ये मॉलिक्यूल आपके, ठीक है, तो डेफिनेटली देर विल बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लियर। तो फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए HF के केस में तो जो ये बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो बहुत ज्यादा होती है, अच्छी होती है, दैट इज वाई HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा है इन चारों में, ठीक है। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाएंगे भाई? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स बनाएंगे। देखो क्लोरीन के, फ्लोरीन दो तरह के ऑक्साइड बनाता है, OF2 एंड O2F2, ठीक है। क्लोरीन आपके, क्लोरीन के तो कई सारे हैं, Cl2O है, ClO2 है, Cl2O6 है, Cl2O7 है, ब्रोमिन BR2O है, BrO2, BrO3,
आयोडीन I2O4, I2O5, I2O7, ठीक है। तो ऑक्साइड्स किसके ज्यादा स्टेबल होंगे, तो ये बता रहे हैं कि आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन, ठीक है। क्योंकि OF में क्या होगा, दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, लोन पेयर है काफी ज्यादा, ठीक है, तो इस वजह से रिपल्शन ज्यादा होंगे। एक मिनट, इसमें कुछ बचा तो नहीं ना, ठीक है, ओके। हाँ, रिएक्शन बिटवीन मेटल, मेटल के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, मैंने बताया था अभी, हैलोजन्स नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्ट करके आपका सॉल्ट बना लेते हैं। जैसे सोडियम के साथ रिएक्ट किया तो क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड बना लिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं इनके आयनिक कैरेक्टर की, मेटल हैलाइड्स के आयनिक कैरेक्टर की बात करूं, तो अगर मेटल का जो आयनिक कैरेक्टर होगा इन हैलोजन के साथ, मेटल फ्लोराइड के केस में सबसे ज्यादा, फिर मेटल क्लोराइड, फिर मेटल ब्रोमाइड, फिर आपका सबसे लास्ट में ये मेटल आयोडाइड आना था, HI लिख दिया, ठीक है, फिर मेटल आपका आयोडाइड, ठीक है। क्योंकि क्यों भाई, क्यों आ रहा है ऐसा डिफरेंस आयनिक कैरेक्टर में, क्योंकि आयनिक कैरेक्टर डिपेंड करता है कटायन की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे और अनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, ठीक है, कि कटायन कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और अनायन कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मेटल तो देखो चारों केस में मैंने सेम ही लिया, एम ही लिया, सपोज कोई एम मेटल है, मैंने चारों केस में सेम लिया, बट मैं चेंज क्या कर रही हूँ, मैं हैलोजन चेंज कर रही हूँ। फर्स्ट में मैंने क्लोरीन फ्लोरीन लिया, सेकंड में क्लोरीन, थर्ड में ब्रोमीन, फोर्थ में आयोडीन। तो फ्लोरीन क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसमें यहाँ पर MF के केस में आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो क्लोरीन गैस के बारे में पढ़ लेते हैं, कैसे बनाते हैं क्लोरीन गैस को। तो आपके पास रिएक्शन दिखी हुई है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ HCl को अगर आप ट्रीट करो तो मैग्नीज क्लोराइड प्लस क्लोरीन और प्लस वाटर आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये देखो Cl2 बन गया है ना, Cl2 की प्रिपरेशन हो रही है इस मेथड से। तो दिस इज अ नॉर्मल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरीन। देयर इज आल्सो वन अदर मेथड, इफ यू ट्रीट सोडियम क्लोराइड विद मैग्नीज ऑक्साइड एंड H2SO4, ठीक है, तो भी आपका MnCl2 NaHS4, दैट इज सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर प्लस क्लोरीन बनता है, ठीक है, आपको रिएक्शन थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड इज सिमिलरली, आप अगर KMnO4 को HCl के साथ ट्रीट कर देंगे तो भी आपकी Cl2 निकल जाएगी। देखो MnO2 को कर रहे हैं तब भी निकल रही है, KMnO4 को कर रहे हैं तब भी निकल रही है, MnO2 को H2SO4 से कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड से कर रहे हैं ट्रीट तो भी आपकी निकल रही है। तो डेकन प्रोसेस क्या है, डेकन प्रोसेस ने जो डेकन ने सबसे पहले प्रोसेस बताया था इसके लिए, तो उन्होंने कहा था अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड का ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन मतलब आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करो, है ना, तो सिंपली आपका क्लोरीन और वाटर बनता है, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी क्लोरीन गैस बन गई, ठीक है। कैसे होती है क्लोरीन गैस आपकी, तो याद रखना ग्रीनिश येलो मैंने बताया था ना, पेल येलो होती है फ्लोरीन क्लोरीन, जबकि आपकी ग्रीनिश येलो कलर है, पंजेंट है, सफोकेटिंग है, ठीक है, प्रेजेंट अडर तो बिल्कुल नहीं है इसकी, पॉइजनस गैस है, ठीक है, इट इज अ पॉइजनस गैस एंड सोल्यूबल इन वाटर। अगर आप क्लोरीन को पानी में पास करो गैस को, तो ये पानी में घुल जाती है और जो सॉल्यूशन बन जाता है पानी में सोल्यूबल होने के बाद, इसका उसको हम क्लोरीन वाटर बोलते हैं, वो लैब में भी मिलता है, ठीक है, उसे हम क्लोरीन वाटर कुछ नहीं है, क्लोरीन का पानी के साथ सॉल्यूशन है, ठीक है। लिटमस पे क्या इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली Cl2 का लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट एन एसिडिक गैस, ठीक है, एसिडिक नहीं है, न्यूट्रल है, तो नो इफेक्ट, ठीक है। बट अगर आप इसको पानी के साथ ट्रीट कर दो, क्लोरीन को पानी के साथ ट्रीट कर दो, तो देर विल बी या हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करो, पानी के साथ नहीं, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करोगे तो HCl बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड कैसा होता है आपका, एसिडिक होता है, तो अगर पानी की प्रेजेंस भी होनी चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, अगर HCl बन जाता है, थोड़ी बहुत वहां वाटर की प्रेजेंस है, देन इट कैन टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, बिकॉज HCl तो क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, वेरस क्लोरीन एसिडिक नहीं है, बट HCl तो एसिडिक है, ओके। रिएक्शन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो भी देख लो आप, उसमें भी सॉल्ट ही बनेगा, जब भी आप मेटल और नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हो तो सॉल्ट बनता है, चाहे अल्यूमिनियम के क्लोरीन से करवाया तो अल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, सोडियम के क्लोरीन से कराया तो सोडियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो
फॉस्फोरस एंड क्लोरीन, फॉस्फोरस मेटल नहीं है ठीक है, फॉस्फोरस इज ऑल्सो नॉन मेटल ठीक है। तो अगर आप फॉस्फोरस की क्लोरीन से कराओगे तो PCl3 बन जाएगा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड, या हाइड्रोजन की क्लोरीन से कराओगे HCl बन जाएगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है, इसको एक बार गो थ्रू हो जाना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अमोनिया के साथ रिएक्शन हो जाए तो अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन, हमें एक्सेस में अमोनिया लेना पड़ता है। अगर आपको क्लोरीन के साथ रिएक्शन करानी है अमोनिया की, तो देखो अगर एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है तो ना उससे कंपेरेटिवली 8 अमोनिया रिएक्ट करेंगे ठीक है, एक क्लोरीन के मॉलिक्यूल से। तो इतना एक्सेस में लेना पड़ेगा आपको अमोनिया, तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में नाइट्रोजन गैस बनेगी ठीक है। मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है तो करना नहीं है, जिस चीज़ का मैकेनिज्म होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है मैकेनिज्म, एक तो चीज़ों का जिनका भी है मैं वहां करा दूंगी, यहाँ पर मैकेनिज्म को डील नहीं करना ठीक है। सिमिलरली अगर ये तो ये तब हुआ अगर आपने एक्सेस में अमोनिया लिया, अगर दूसरे केस लोगों की अगर आपने क्लोरीन एक्सेस में ले लिया अमोनिया कंपेरेटिवली, जैसे कि अमोनिया तो एक है और क्लोरीन आपने 3 लिए ठीक है, तब आपका नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा NCl3 और साथ में बनेगा HCl ठीक है। तो किस रेशियो में आप ले रहे हो, मतलब किसको एक्सेस में ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है प्रोडक्ट क्या बनेगा। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो ट्राइक्लोरो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बन जाएगा ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर रिएक्शन NaOH के साथ है तो बहुत सिंपल है, ये तो आपने इसको हम क्लोर एल्कली प्रोसेस में आपने ये रिएक्शन करी होगी डेफिनेटली, क्लियर। इस तरह की उसमें बस थोड़ा रिएक्शन रिवर्स होती है, NaCl का आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो NaOH और क्लोरीन बनते हैं। यहाँ पर NaOH और क्लोरीन से को रिएक्ट करें तो NaCl वाटर और सोडियम हाइपोक्लोराइड, दैट इज द फॉर्मूला फॉर सॉरी द फॉर्मूला फॉर सोडियम हाइपोक्लोराइड इज NaOCl, NaOCl ओके। ये है डायल्यूट के साथ, ये जो पहली रिएक्शन है वो डायल्यूट के साथ है। अगर आपने कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जो कि हॉट भी होना चाहिए साथ में, तब रिएक्शन डिफरेंट हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड तो बनेगा, पानी भी बनेगा, बट सोडियम हाइपोक्लोराइड नहीं बनेगा, सोडियम क्लोरेट बनेगा। फॉर्मूला है सोडियम क्लोरेट का NaClO3 ठीक है। तो ये याद रखना कि कंसंट्रेटेड के साथ NaOCl बनेगा, NaOH और NaCl और पानी के अलावा NaOCl बनेगा, जबकि कंसंट्रेटेड के साथ NaClH2 के अलावा NaClO3 बनेगा ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की कराओगे तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन रहा है, दिस इज योर ब्लीचिंग एजेंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर ठीक है, क्लियर। अच्छा ब्लीचिंग एजेंट, ये ब्लीचिंग क्लोरीन गैस को आपने देखा होगा ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हैं एज अ ब्लीचिंग एजेंट, व्हाई, बिकॉज अगर आप क्लोरीन को पानी में ट्रीट कराओ ना ठीक है, क्लोरीन के पानी के साथ ट्रीटमेंट कराओ तो HCl बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है ठीक है। तो नेसेंट ऑक्सीजन मतलब सिंगल ऑक्सीजन, अगर आप किसी भी कलर ब्लीच करना क्या होता है, किसी का कलर रिमूव करना ठीक है, कलरलेस करना बेसिकली ठीक है, किसी भी कलर्ड मैटर में अगर आपने ऑक्सीजन ऐड करा दिया नेसेंट ऑक्सीजन, वो कलरलेस हो जाती है, दैट इज व्हाई इसलिए आपका ये जो क्लोरीन है वो एज अ ब्लीचिंग एजेंट काम करता है ठीक है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है ठीक है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, क्लोरीन आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है डेफिनेटली है ना, क्योंकि खुद को रिड्यूस कर सकता है ना इजिली ओके। अगर देखो आयरन सल्फेट है, फेरस सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरीन करो रिएक्शन, तो ये फेरिक सल्फेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे आयरन की +2 ऑक्सीजन स्टेट है, यहाँ पर +3 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट है ना, तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरीन के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर रहा है ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ पर देख लो इसमें कुछ गड़बड़, हाँ Na2SO3 और यहाँ पे Na2SO4 है बच्चे, इससे 4-4 नहीं है हाँ क्लियर। तो यहाँ पर सल्फाइट है, यहाँ पर सल्फेट है ठीक है ओके। तो सल्फाइट सल्फाइट को सल्फेट में चेंज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइज कर रहा है सल्फाइट को सल्फेट में, SO3 को SO4 में चेंज कर रहा है, और क्लोरीन खुद कैसे चेंज हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पर 0 ऑक्सीजन स्टेट में है। मैंने बताया था होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल हमेशा होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल में हमेशा एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, चाहे F2 हो, चाहे Cl2 हो, चाहे O2 हो, चाहे N2 हो, ये भी जो भी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल है इसमें आपके एलिमेंट 0 ऑक्सीजन स्टेट में होता है। तो यहाँ पर HCl में कितनी हो रही है क्लोरीन की, -1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पर -1, डिक्रीज इन
ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्लोरीन का हुआ है रिडक्शन। सिमिलरली यहाँ पर अगेन क्लोरीन का रिडक्शन है, SO2 ऑक्सीडाइज हो रहा है SO4 में, H2SO4 में, आयोडीन भी अगेन ऑक्सीडाइज हो रहा है HIO3 में, ठीक है, और क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है HCl में। तो क्लोरीन आपका अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन के यूजेस क्या है, तो ब्लीचिंग पर्पस आपने देखा पहला तो है ना, ब्लीचिंग पर्पस के लिए। दूसरा है गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सट्रैक्शन के लिए। तीसरा डाइज बनाने में। अच्छा कहीं और हम पॉइजनस गैसेस इससे बना सकते हैं, ऑल्दो क्लोरीन इज ऑल्सो पॉइजनस गैस, बट हम और भी बना सकते हैं। फॉस्गिन, फॉस्गिन का क्या फॉर्मूला होता है, सी ओ सी एल टू। टीयर गैस बना सकते हैं, टीयर गैस क्या होता है, सी सी एल थ्री एनओ टू, ठीक है। नाइट्रो ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो नाइट्रोमिथेन सी सी एल थ्री एनओ टू का IUPAC नेम, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड का देखो प्रोसेस बता रखा है कैसे बनानी है हाइड्रोजन क्लोराइड, बहुत सिंपल है। सोडियम क्लोराइड में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो, सोडियम क्लोराइड नमक, नमक में सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ना ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन आपको दिखता है ना लैब में HCl, वो HCl का पानी में मिक्सचर होता है, ठीक है, तभी हम उसे कंसंट्रेटेड और डायल्यूटेड बोलते हैं। अगर ज्यादा HCl है पानी कंपेरेटिवली तो वो कंसंट्रेटेड है, अगर कम HCl है तो डायल्यूटेड है, ठीक है। बट एक्चुअल में HCl जो प्योर है वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो कैसी गैस है HCl, कलरलेस गैस है पंजेंट स्मेल के साथ, ठीक है। लिक्विफाई कर सकते हो इजिली, ठीक है, लिक्विफाई मतलब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फ्रीज, अगर फ्रीज करेंगे तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बना लेंगे, सॉल्यूबल है पानी में, ओके। अमोनिया के साथ रिएक्ट कर सकती है रेडिली एंड इट विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। NH3 के HCl के साथ रिएक्शन दिखा रखे हैं, अमोनियम क्लोराइड बना है, एक्वा रेजिया बनाने के काम आता है। याद हो एक्वा रेजिया, आपने लोअर क्लासेस में एक्वा रेजिया के बारे में पढ़ा होगा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, इन द रेशियो ऑफ 1:3। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको ऐसे लगो कि अगर आप 100 ml बना रहे हो तो 25 ml आपको आपको HNO3 लेना पड़ेगा और 75 ml आपको HCl लेना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड प्लैटिनम, इनको डिसोल्व करने के लिए, क्योंकि ये जल्दी नोबल गैस, नोबल मेटल क्यों बोला है, क्योंकि ये भी बहुत स्टेबल है, गोल्ड वगैरह जो है ना प्लैटिनम गोल्ड, ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करती किसी से, ठीक है। तभी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं और तभी वो एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करते, उनकी चमक काफी लंबे समय तक बरकरार रहती है, ठीक है। तो ये किसी में डिसोल्व नहीं होती थी, ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन भी बड़ी दिक्कत आती, तो इसलिए ना ये अकेले HCl में डिसोल्व करोगे तो नहीं होगी, HNO3 में अकेले में करोगे डिसोल्व गोल्ड को तो नहीं होगी, बट जो एक्वा रेजिया जो मिक्सचर बनाया आपने दोनों का उसमें डिसोल्व करोगे तो ये नोबल मेटल्स आपके डिसोल्व हो जाती हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद हाइड्रोजन क्लोराइड के क्या यूजेस हैं, अब सब उल्टा ही चलता है। देखो क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है तो हाइड्रोजन क्लोराइड से आप क्लोरीन बना सकते हो, अमोनियम क्लोराइड बना सकते हो, ग्लू एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बोन से, मेकिंग मेडिसिन, मेकिंग एक्वा रेजिया, ये हल्का सा गो थ्रू हो जाना, ऐसा कोई टॉपिक तो आएगा नहीं, प्लीज डिस्क्राइब यूजेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, एज अ क्वेश्चन। आजकल कोई CBSE डालता तो है नहीं है, बट स्टिल हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, कई बार 1 marks में घुमा घुमा के पूछ लेता है थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन, है ना। उसके बाद ऑक्सो एसिड्स देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं, तो ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्लोरीन के दिखा रही हूँ, एक मिनट क्लोरीन के दिखाती हूँ। पहला है हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज योर HClO। HClO2 क्या है, क्लोरस एसिड। HClO3 क्या है, क्लोरिक एसिड। और HClO4 क्या है, परक्लोरिक एसिड। ये +1, +3, +5, +7 ये क्या लिखा हुआ, ये क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। इनमें इस वाले में +1 है, इसमें +3 है, इसमें +5 है, इसमें +7 है, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखो इनके थोड़ा से, देखो ये हाइपोक्लोरस एसिड है, HOCl ये स्ट्रक्चर रहेगा। क्लोरिक एसिड क्या था, HClO3, तो Cl सेंटर एटम रहेगा, क्योंकि Cl के है ना ये, तो क्लोरीन को ही सेंटर एटम रखना है। अगर फ्लोरीन के है तो फ्लोरीन को सेंट्रल एटम रखना है, यहाँ पर से आयोडीन के दिखे हुए हैं ना, आयोडीन को सेंट्रल एटम रखना है। तो क्या करना है, पहले डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बना दो, बना दिया, फिर एक H था तो एक OH लगा दो, बचे हुए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो,
सिमिलरली क्लोरस एसिड में कैसे करोगे? ये तो गड़बड़ कर दिया उन्होंने क्लोरस में थोड़ा सा। पर क्लोरिक देख लो, पर क्लोरिक में कैसे करोगे? HClO4, ठीक है, क्लोरीन लिखा, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन बना दिया, एक हाइड्रोजन है तो एक OH बना दिया, ठीक है, बन गया। बचे हुए दो ऑक्सीजन उन्हें कैसे करूँ? उनको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखा दो, ठीक है, क्लियर। हाँ, क्लोरिक क्लोरिक ये ठीक है, आपका क्लोरस एसिड है HClO2, HClO2 तो ClO2 है, दो ऑक्सीजन है, तो क्लोरीन को दो ऑक्सीजन होने पर एक डबल बॉन्ड बनाया, तो एक जो हाइड्रोजन है उसको क्या दिखाया? OH की फॉर्म में, ठीक है, तो दूसरा ऑक्सीजन आपने देखा कि OH की फॉर्म में, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं हमारे इंटरहेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, आप बुक में जरा देख लेना, बाकी स्ट्रक्चर सिमिलर से ही है। इंटरहेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरहेलोजन कंपाउंड्स होते हैं आपके हेलोजन का हेलोजन के साथ कंपाउंड, ठीक है, क्लियर। जैसे हेलोजन नॉन मेटल के साथ बना लेते हैं, दूसरी नॉन मेटल के साथ बना लेते हैं, तो हेलोजन के पास बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है कि ये एक दूसरे के साथ भी कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे कि क्लोरीन मोनोफ्लोराइड है ना, ब्रोमीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड, ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो दे आर अनस्टेबल, दे आर नॉट वेरी स्टेबल, बिकॉज दोनों ही क्या है, देखो अगर तो आप इसको क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहे हो, तो क्लोरीन के पास भी अच्छी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और फ्लोरीन के पास भी, तो वहां पर भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, उसकी वजह से आपका मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं बनता। दूसरा यहाँ पर साइज डिफरेंस, ब्रोमीन और फ्लोरीन के साइज में बहुत डिफरेंस है, उनकी ऑर्बिटल्स उतने अच्छे से ओवरलैप नहीं करेंगी, तो बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी। सिमिलरली आयोडीन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस, ठीक है, दैट इज वाई दे आर नॉट स्टेबल। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर देखो, चलो ब्रोमीन और आयोडीन उतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बट क्लोरीन तो चलो इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओके, क्लियर। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है भाई? तो हमेशा याद रखना कि जब भी आप इंटरहेलोजन कंपाउंड बनाओ ना, तो जो बड़ा एटम है जैसे IF7 है ना, 7 फ्लोरीन लग रहे हैं और एक आयोडीन है, आयोडीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, तो लार्जर एटम है, आपको उसको सेंट्रल एटम बनाना है इन केस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ठीक है, क्लियर। बॉन्ड आपका कोवेलेंट रहेगा, नो डाउट, है ना, साइज डिफरेंस की वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है, एज यू नो दैट, जितना जैसे जैसे साइज डिफरेंस बढ़ता जाएगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। सिमिलर साइज वाले एटम अच्छी बॉन्डिंग करते हैं, डिफरेंट साइज वाले एटम अच्छी बॉन्डिंग नहीं करते, ठीक है, ओके। अगर आप इनके हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको हमेशा एक स्मॉलर हेलोजन का आयन मिलेगा, दूसरा आपको ऑक्सीहैलाइड मिलेगा, बिगर आयन हेलोजन का, वो मैं दिखा दूंगी अगर कोई रिएक्शन होगी, ऐसे तो वर्डिंग से तो समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इवन ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू हेलोजन, क्योंकि हेलोजन का हेलोजन मान लो फ्लोरिन है या क्लोरीन है, सीएल का सीएल के साथ बॉन्ड ठीक ठाक है, ब्रोमीन का ब्रोमीन के साथ बॉन्ड ठीक ठाक है, बट ब्रोमीन का फ्लोरीन से बॉन्ड ठीक नहीं है, वो अनस्टेबल है, तो मतलब वो जल्दी टूटेगा और जल्दी रिएक्ट करेगा, दैट इज व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं इनके, अगर ए बी टाइप में अगर आपको दिखता है कोई कंपाउंड, जैसे आपको क्लोरीन मोनोफ्लोराइड फ्लोराइड दिख रहा है CLF, तो उसका स्ट्रक्चर होगा लीनियर। ए बी थ्री टाइप में दिख रहा है तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ए बी फाइव में दिख रहा है तो स्क्वायर पिरामिडल, एंड ए बी सेवन में दिख रहा है तो पेंटागोनल बायपिरामिडल। तो ये इनकी शेप याद कर लो, मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर देख लो, एसिड्स बाकी जनरल ट्रेंड्स में तो कोई डिफरेंस है नहीं, ठीक है, रिएक्शन देख लो थोड़ी बहुत, और आपके जो एक चीज मैंने और बताई थी ऑक्सो एसिड्स देख लो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारा कल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज ग्रुप 18 एलिमेंट्स, तो ये कल खत्म हो जाएगा, होप सो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।